अरे यार, ये हर दिन ब्रेकफास्ट में अवोकाडो, हर दिन ब्रोकली खाती है। और एक मेरे घर वाले दाल चावल बनाने से नहीं हटते, इनके चक्कर में ना मैं मोटी होती जा रही हूँ। ये सोचना बिल्कुल गलत है। हाय एवरीवन, मैं मुक्ति गौतम, आप सबकी फिटनेस कोच। सो गाइस, आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ 7 टिप्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। एंड जो टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, आई कैन बेट कि आपके साथ अब तक ये किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, देन प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, सो दैट शॉर्ट वीडियोज की फॉर्म में उसके आंसर्स मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को शुरू। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए अभी करें चैनल को सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलें। अगर आपको वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, आपको अपनी बॉडी पे लीन मसल मास लेके आना है, जरूरी नहीं है कि आपको फैंसी आइटम्स ही खानी है। आप घर का खाना, यस, आप टिपिकल इंडियन खाना खा के भी फिट, हेल्दी एंड मस्कुलर बन सकते हैं। आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या चीजों को खाना है, किन चीजों को नहीं खाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 7 चीजें जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी ही करनी है। फर्स्ट, ब्रेकफास्ट में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि आप ले सकते हैं, जैसे कि ओट्स, दलिया, एग्स, पोहा, बेसन का चिल्ला। सेकेंड इज मिल्क। मेक श्योर कि आप हर दिन एक गिलास दूध जरूर पिए। एंड बहुत सारे लोग हैं ये बोलते हैं कि दूध मत पियो, दूध से मोटापा होता है, देन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपकी ग्रोइंग एज है, आप टीनेजर हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ वाइटमिन बी, डी, कैल्शियम। सो मेक श्योर कि आप स्किम्ड मिल्क लें अपनी डाइट में। अगर आपको ऐसा लगता है कि फैट वाला दूध आपको नहीं लेना है, आप दूध को उबाल के उसमें से मलाई निकाल के भी ले सकते हैं। एंड मार्केट में भी आपको बहुत वैरायटी के स्किम्ड मिल्क मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो हैव लस्सी एंड दही। थर्ड इज सैलेड। आप चाहो तो सैलेड को मील के साथ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अलग से सैलेड प्रिपेयर करके भी खा सकते हैं। जैसे कि मोस्टली मेरे को अलग से सैलेड प्रिपेयर करके खाना अच्छा नहीं लगता है। जब मैं अपना खाना खा रही होती हूँ, जैसे लंच कर रही हूँ या डिनर कर रही हूँ, उस टाइम पे मैं खीरा, ककड़ी ये सब काट के रख लेती हूँ, उसके ऊपर नींबू और नमक डाल देती हूँ या कोई भी मसाला डाल लो, सो दैट वो थोड़ा सा चटपटा हो जाए, टेस्टी हो जाए। तो आप दोनों तरीके से सैलेड को खा सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फोर्थ इज फ्रूट। यस, यू कैन हैव एनी फ्रूट इन योर डाइट। ऐसे नहीं है कि आप केला नहीं खा सकते क्योंकि उससे मोटापा बढ़ जाता है, या फिर आप मैंगो नहीं खा सकते उससे मोटापा बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यस, व्हाट मैटर इज क्वांटिटी ऑफ योर फूड। क्वांटिटी आपको कितनी कितनी लेनी है, कैसे मैनेज करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिफ्थ इज आर ड्राई फ्रूट्स। मेक श्योर कि आप दिन में एक बार ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएं। सिक्स्थ एंड सेवन्थ पॉइंट इज यू कैन हैव राइस एंड दाल। अब फिर से काफी क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में जब हम राइस की बात करते हैं कि क्या अगर हमें फिट होना है, मस्कुलर बनना है, क्या हम राइस खा सकते हैं। आई लव राइस एंड मैं ऑलमोस्ट हर दिन अपनी डाइट में राइस लेती हूँ। तो वही अगेन बात आ जाती है कि आप चीज़ों को कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। एंड मेक श्योर कि अगर आप दाल ले रहे हैं या फिर अगर आप राइस ले रहे हैं उसके साथ दाल ज़रूर लें, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि इंडिया में जो कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है। तो जो प्रोटीन आपकी दाल में नहीं है वो प्रोटीन आपको चावल में मिलेंगे, एंड दिस कॉम्बिनेशन विल कम आउट टू बी होल सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो यू कैन हैव एनी दाल, राजमा, छोले, पीली दाल, काली दाल, यू कैन हैव चिकन, यू कैन हैव सोया चंक्स, और यू कैन हैव पनीर इन योर डाइट। टीनेजर टाइम पे ना मेरी एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे को ज़्यादा बाहर का खाना मैं प्रेफर नहीं करती थी, मैं कोशिश यही करती थी कि मैं घर का खाना खाऊं। बट जो मैंने मिस्टेक की है अपने टीनेज टाइम पे वो ये कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो आप किसी भी क्वांटिटी में उसे खा सकते हो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ऑलवेज फिक्स योर क्वांटिटी। बार बार कभी भी किचन में मत जाओ चीज़ों को रिफिल करने। और बहुत अच्छा तरीका ये कि समझ लो अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मेरा जैसे मोस्टली ब्रेकफास्ट जो रहता है दैट इज़ ड्राई फ्रूट्स, दूध का गिलास, और साथ में ओट्स हो गया, दलिया हो गया, पोहा हो गया, इनमें से कोई भी एक चीज़। बट एक कटोरी यानी कि एक कटोरी दलिया, एक गिलास दूध यानी कि एक गिलास दूध, बादाम यानी कि 5 बादाम, इससे ज़्यादा नहीं। तो इट शुड बी फिक्स्ड। ये नहीं कि ओ हो दलिया तो बड़ा स्वाद बना, एक के बाद दूसरी कटोरी भी खा ली, मतलब ऐसे नहीं करना। सेकेंड टिप, इंडल्ज इन गुड हैबिट्स। कोशिश करें कि आप अपनी चीनी को रिप्लेस करें अच्छी चीज़ों के साथ। आप चीनी की जगह पे आप मिश्री का पाउडर बना के रख सकते हो, आप गुड़ ले सकते हो, शहद ले सकते हो। और वैसे भी अगर आप 15-20 दिन में
चीट मील कर रहे हो तो ये डोनट और आइसक्रीम खा के आपकी चीनी पूरी हो जाती है। तो अगर आप हर दिन खुद भी चीनी लिए जा रहे हो और उसके बाद आप चीट मील वाले दिन भी चीनी भी नहीं खा रहे हो, इतनी ज़्यादा शुगर इनटेक ले रहे हो, देन वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप अपना थोड़ा लाइफ स्टाइल बदलने की कोशिश करें। अगली गेम आ जाती है क्वांटिटी की। अगर आप ये सोचकर आप गुड़ खा रहे हो या फिर शहद खा रहे हो तो आप कितनी भी क्वांटिटी में खा सकते हो, अगेन इट्स अ बिग नो। अगर आप एक चम्मच चीनी ले रहे हो या फिर एक चम्मच शहद ले रहे हो, एक चम्मच शक्कर या फिर गुड़ ले रहे हो, देन इन सब चीज़ों में ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ कैलरीज है। अब आप सोचोगे कि अगर कैलरीज सेम है तो मैं चीनी क्यों ना खाऊं? यस, कैलरीज आर सेम, जिस चीज का डिफरेंस है दैट इज न्यूट्रिशन वैल्यू। तो सोच समझ के खाएं। थर्ड इज आवर वर्कआउट। मेक श्योर कि आप पूरा दिन में एक घंटा जरूर निकालें वॉक करने के लिए, एंड वॉक के साथ साथ जो आपको चीज करनी है एड ऑन दैट इज वर्कआउट। तो आपको भी 15 मिनट्स वर्कआउट, 10 मिनट्स वर्कआउट आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने भी बहुत सारे वर्कआउट्स डाल दिए हैं तो आप उसको देख के कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं देन आप कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद योर डाइट एंड विद योर वर्कआउट। कोशिश आपको हर दिन करनी है कि आप हर दिन वर्कआउट करें, हर दिन एक्सरसाइज करें। बट कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं देन मोस्टली ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप किस दिन वर्कआउट नहीं कर पाते हो या फिर आपकी जो डाइट है वो खराब हो जाती है। बट कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन, मोस्टली ऐसा सबके साथ होता है। बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी जो 80% लाइफ है ना, वो अगर हेल्दी होगी और उसमें अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली फिट और हेल्दी होने शुरू हो जाओगे। और अगर आपका 20% अनहेल्दी चला भी जाता है या अगर आप वर्कआउट करना भूल भी जाते हो, देन दैट्स परफेक्टली फाइन। टिप नंबर 4, हाउ टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। सो गाइज, ये चीज़ हम सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट अप करें। बट द गुड न्यूज़ इज दैट कि आप हैं टीनेजर एंड इस टाइम की आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो पूरे पीक पे हैं, तो आपको ऑलरेडी जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। बट जिन रीजंस की वजह से आप अपने मेटाबॉलिज्म को खुद स्लो डाउन कर रहे हो, दैट इज योर ईटिंग हैबिट। यस गाइज, अगर आप बहुत ज्यादा कम खाना खाना शुरू कर देंगे पतले रहने के चक्कर में, देन आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आपका वेट लूज होना भी है ना, वो भी होना बंद हो जाएगा। और मोस्टली हम बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो आजकल फैट डाइट्स आती हैं, जैसे कि कीटो डाइट हो गया, लो कार्ब डाइट्स हो गई, इनसे बचें थोड़ा सा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका कुछ टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वेट लूज आपका कर देंगी। बट आप इस टाइम टीनेजर हैं, आपको ग्रो होना इंपॉर्टेंट है। आई डोंट वॉन्ट कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज आए, तो आप एक नॉर्मल हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करने की कोशिश करें, ना कि कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग इस टाइप की चीज़ें प्रैक्टिस करें। और ना ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया और खुद भी मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है, जब मैं पतले होने की कोशिश कर रही थी बचपन में, लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू डू, कि वो वर्कआउट अपना बढ़ा देते हैं और जो डाइट है वो जितनी पहले नॉर्मल डाइट ले रहे थे उससे भी ज्यादा कम खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका स्टार्टिंग में एकदम से वेट कम होगा क्योंकि आपने बिल्कुल खाना बंद कर दिया, और एक टाइम पे आके आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब आपकी बॉडी में फैट लूज होना तो दूर की बात है, ना आपका वेट लॉस होगा ना फैट लॉस होगा। तो ऐसी छोटी छोटी स्टूपिड मिस्टेक्स ना करें। काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, डिनर छोड़ देते हैं पतला होने के लिए, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इट इज़ जस्ट लाइक पनिशिंग योर बॉडी। अगर वर्कआउट अच्छे से कर रहे हैं देन बॉडी को प्रॉपर डाइट भी प्रोवाइड करें। सेकेंड, आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करने के लिए ले सकते हैं हर्बल टीज या फिर आयुर्वेदिक टीज। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे कि क्या हम अपनी डाइट में रेड टी, येलो टी या फिर ब्लू टी ले सकते हैं। येस गाइज, यू कैन डेफिनेटली हैव देम बिकॉज इट्स 100% नेचुरल एंड आयुर्वेदिक। मतलब इतना थॉट ना हम बाहर का जंक फूड खाते वक्त नहीं सोचते कि उसके अंदर क्या डालो, बट बात आती है जब आयुर्वेदिक टीज की, जिसमें कि तुलसी, सिनेमन है, गार्लिक है, जिसके अंदर ग्रीन टी है, हबिस्कस है, ब्लू बटरफ्लाई पी जैसे फ्लावर्स है जिसके कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, देन उसके बारे में हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट टेकिंग दीज टीज इन योर डाइट। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। टिप नंबर 5, जो आदत आपको डालनी है दैट इज ऑलवेज कीप वाटर बॉटल विद यू। और मार्केट में इतनी सुंदर सुंदर बॉटल्स आती हैं, तो आप कोई भी अपने फेवरेट कलर की वाटर बॉटल अपने साथ रखें एंड मेक श्योर कि आप उसे रिफिल करते रहें एंड उसे पीते रहें। एंड ट्राई टू ड्रिंक 3-4 लीटर्स ऑफ वाटर, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 10-15 ग्लासेस ऑफ वाटर। एंड पानी के बेनिफिट्स हम सबको पता है, वेट लॉस में तो हेल्प करता ही करता है, बट उसके साथ साथ लाइक इस एज पे आपके पिंपल्स, एक्नी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और होते भी हैं काफी ज्यादा फेस पे। और अगर आप खूब सारा पानी पिएंगे आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके पिंपल्स पे और एक्नी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा आपको, एंड उसके साथ साथ आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग होनी शुरू हो जाएगी। टिप नंबर 6, फूड टू अवॉइड। एंड गाइस, आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर एक पैरामीटर को टच कर सकूँ एंड किन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। यू ऑल नो कि आपको बाहर का जंक फूड, फ्राइड फूड अवॉइड करना है, एंड जिस चीज़ को मैं अभी टारगेट करूँ
करूंगी दैट इज कोल्ड ड्रिंक या फिर वो रियल के जो जूसेस के पैकेट वाले जो डब्बे आते हैं उनको आपको टोटली अवॉइड करना है। इंडिया में ना आपको ये बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चीनी को अवॉइड करते हैं, मतलब वो इनफैक्ट अगर वो चाय भी पी रहे हैं ना वो बोलेंगे कि हम बिना चीनी के चाय पीते हैं, बट जब बात आती है कोल्ड ड्रिंक की वो पूरा एक गिलास कोल्ड ड्रिंक का ऐसे घटक जाता है बिना सोचे समझे कि उसके अंदर कितनी चीनी है। मतलब उस कोल्ड ड्रिंक के एक गिलास में जहाँ 10 से 12 चम्मच चीनी है वो पीना ज़्यादा बेटर है या फिर चाय के गिलास में अगर आप एक चम्मच चीनी डाल लो। एंड अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि सेम चीज़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर आप खुद एग्जाम्पल है तो नीचे कमेंट करके बोल देना मी टू। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर चीट मील। कोशिश करें कि सिर्फ 15 दिन में या 20 दिन में एक बार आप चीट मील करें, और चीट मील भी आपका पूरा प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आज चीट डे है तो हर कुछ खा लेना है, नहीं। समझ लो अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि आपको आज बर्गर खाना है तो आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है, आपको अपना डिनर स्किप कर देना है और उसकी जगह पे आपको खाना है बर्गर। सो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस योर कैलोरीज एंड योर डाइट। एंड दैट्स इट गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुक्ति गौतम के नाम से। एंड दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो।